डायरेक्ट कस्टमर का टोयोटा इनोवा जेड एक्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल इंजन ओनर सिंगल डेली रजिस्ट्रेशन ड्रिवन 1,25,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड्स इंश्योरेंस वैलिड टिल जून 2024 अ डायरेक्ट कस्टमर कार यू नीड टू मेक द पेमेंट इन विच द आरसी इज रजिस्टर्ड यू नीड टू सी द पेपर वर्क ऑल्सो बिकॉज सिंस आई हैव सीन द हाइपोथिकेशन ऑन द कार मोस्ट ऑफ द कार्स में हाइपोथिकेशन होती है सर वो भी देखना है चलांस भी देखना है इफ यू रिक्वायर आर सर्विसेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू द कस्टमर डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द टेस्ट ड्राइव यू कैन टॉक टू हिम हिज नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कार सो दिस इज अ डायरेक्ट कस्टमर कार इनोवा क्रिस्टा ZX टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है सर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल इंजन 1,25,000 किलोमीटर्स ड्रिवन विद सर्विस रिकॉर्ड्स फ्रंट से स्टार्ट करते हैं सर कोई स्क्रैचेस एज सच बोनट के ऊपर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं जो जो नेकेड आई से सर देख सकते हैं अभी मैं वही देखूंगा टेक्निकल इंस्पेक्शन जो है वो मैं बायर्स की रिक्वेस्ट पे करता हूं सर टेक्निकल इंस्पेक्शन अभी नहीं करी ऑनेस्टली स्कैनिंग और पेंट वर्क वो सब नहीं करा है सर्विस हिस्ट्री नहीं निकाली वो हम निकाल देंगे अगर आप चाहते हो टेक्निकल इंस्पेक्शन में लाइट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है सर फ्रंट का लोगो वगैरह क्लियर है फ्रंट की ग्रिल फॉग लैंप्स वगैरह ये सब कुछ हमें क्लियर मिल रहा है विंडस्क्रीन जो है उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है विंडस्क्रीन हमें बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर मिल रही है देन कमिंग टू द फेंडर साइड यहाँ पे एक हल्का सा हमें डेंट दिख रहा है सूखा कोई बात नहीं यहाँ पे हल्के से स्क्रैचेज हैं वो डेली एनसीआर में जब गाड़ी चलती है लगते हैं अलॉयज जो है वो साफ लग रहे हैं डिस्क साफ लग रहे हैं आगे के टायर्स अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 70% के आसपास हैं 215/60 R17 inches आते हैं इसके अंदर ऑल फोर डिस्क मिलेंगे और फोर अलॉयज मिलेंगे यहाँ पे फंक्शनल फुटरेस्ट मिलेगा जो कि इंटैक्ट है थोड़ा सा ये अगर लूज हो रहा है तो इसके बोल्ट्स कैसे जा सकते हैं ये वाला डोर जो है साफ साफ बच रहा है हल्का सा इस पर कुछ गंदे वो रबिंग वबिंग से निकल जाएगा ये वाला डोर भी साफ साफ बच रहा है सर ये वाला डोर भी साफ साफ बच रहा है हाउएवर रियर टायर जो है ये थोड़ा सा मुझे 40-45% लग रहा है बट अभी 10,000 किलोमीटर तक आपका चला देगा आपको इमिडिएटली नहीं चेंज कराना है देन यहाँ से हमने गाड़ी पूरी देख ली है रियर साइड पे सर अभी तक आपने मोटो फाइंडर को अगर फॉलो नहीं करा तो सर फॉलो कर लें प्लीज डायरेक्ट कस्टमर कार लेकर आते हैं ऊपर से अनवाइज रिव्यू देते हैं सर और पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी आपके लिए स्टार्ट कर दी है आप चाहें तो हमारे ड्राइवर आपको एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन से पिक करके आपको गाड़ी दिखाएंगे और फिर वापस होटल छोड़ेंगे तो अब तो फॉलो कर लीजिए प्लीज पीछे वाली जो लाइट्स हैं सर वो बिल्कुल इंटैक्ट लग रही है मुझे इनोवा क्रिस्टा जी वेरिएंट है ये बैकलाइट वगैरह पीछे हमें वाइपर मिल जाता है यहाँ पे हमें डिफॉगर मिल जाते हैं हाई माउंट ब्रेक लाइट मिल जाती है ऊपर हमें शार्क फिन एंटीना मिल जाता है देन दिस साइड इज लुकिंग ऑल्सो गुड दिस इज लुकिंग ऑल्सो ओके दिस इज लुकिंग ऑल्सो ओके ठीक है यहाँ से मैं आपको पूरा लुक दिखा देता हूँ ये वाला टायर जो है वो थोड़ा ज्यादा वॉर्न आउट लग रहा है मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग नाउ लेट मी शो यू द कार फ्रॉम द ड्राइवर साइड जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है ये सब ड्राई क्लीन होने की जरूरत है हाउएवर अगर आप कहोगे तो मैं ये पैच भी आपको बनवा के दे सकता हूँ यहाँ पे वुडी फिनिश मिल रहा है एम्बियंट लाइटिंग क्रोम फिनिश वगैरह मिल रहा है सामने स्टेयरिंग पे शोफर ड्रिवन कार रही है इसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा जो है मतलब पसीना लग लग के थोड़ा सा जो मेल्ट होके होता है वो हो गया है बाकी इसके ऊपर स्टेयरिंग कवर आप चाहें तो लगवा सकते हैं ऐसे भी आप रख सकते हैं सीट्स बिल्कुल ओरिजिनल है सर सीट्स बनवाई भी नहीं है डायरेक्ट कस्टमर कार है तो ऐसा नहीं है कि सीट या उसके पट्टे बनवाए हुए हैं फैब्रिकेटेड सीट्स हमें इसके अंदर मिल रही हैं इलेक्ट्रिक सीट्स हमें इसके अंदर मिलती हैं जो कि टोयोटा है सर इसका कुछ बिगड़ता है नहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमें इसके अंदर मिलता है यहाँ पे हमें टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है रियर एसी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और क्लस्टर मीटर जो है काफी बेटर कर दिया है टोयोटा ने 1,25,000 किलोमीटर ड्रिवन है एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे मिल रही है पुश बटन स्टार्ट है यहाँ पे हमें कप होल्डर्स मिल रहे हैं एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं सर मोटा मोटा यहाँ से गाड़ी मुझे क्लीन लग रही है यहाँ पे मुझे क्लीन लग रही है रियर डोर भी खोल के देख लेते हैं एक बारी सो रियर डोर्स जो है सर वो भी इंटैक्ट लग रहे हैं कंपनी की सील्स वगैरह मुझे दिख रही हैं 7-सीटर है सर पीछे कॉकपिट सीट्स वगैरह मिल रही हैं जो कि इंटैक्ट लग रही हैं ऊपर रूफ लाइनिंग जो है वो सब कुछ इंटैक्ट है ऊपर भी लाइटिंग आती है बढ़िया लगती है गाड़ी पीछे हमें ट्रे वगैरह मिल जाती है हमें पीछे एंड देन लेट्स कम टू दैट साइड ऑफ द कार यहाँ पे सर हमें सब कुछ इंटैक्ट लग रहा है एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह मिल रही है ये सब चीज़ें ड्राई क्लीनिंग कराने की हमें ज़रूरत है यस और ये वाला भी खोल के देख लेते हैं सर ये भी सब कुछ इंटैक्ट है देखो कस्टमर की कार है सर थोड़ी सी गंदी होगी थोड़ा सा सामान रखा होगा दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बट हमें क्या मेजरली देखना होता है कि सर हमें आरसी पेमेंट मिल जाए कोई सस्पिशियस डाउट्स ना रहें थर्ड पार्टी पेमेंट ना हो हमारी प्राइस बेनिफिट हमें मिल जाए गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो बनाई भी ना हो तैयार की भी ना हो ये सारी चीज़ें हम लोग सर्च करते हैं सर तो उसके लिए डायरेक्ट कस्टमर कार्स लेकर आते हैं सो एक बार इसका मैं आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ कि हमें इसके अंदर बूट स्पेस क्या मिलता है बूट स्पेस भी टोयोटा इनोवा में अच्छा मिलता है सीट्स जो हैं वो डाउन कर रखी हैं सो यू कैन सी एम्पल ऑफ बूट स्पेस देयर और पीछे भी जो है वो बिल्कुल सब कुछ इंटैक्ट है सर यहाँ पे भी सब कुछ इंटैक्ट देखने के लिए मिल रहा है हमें सो सर दैट इज़ द रीज़न कि आई ऑलवेज प्रेफर टू शो डायरेक्ट कस्टमर कार्स ऑन माई पेज अगर आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव गाड़ी बेच रहे हैं तो उनको प्लीज़ सजेस्ट करिए सर
90% चांसेस आपकी गाड़ी बिक जाएगी सर, 10% चांसेस आपकी गाड़ी नहीं बिकेगी। इसलिए नहीं बिकेगी कि आप प्राइस अगर ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑनेस्टली तो नहीं बिकेगी, अदरवाइज आपकी गाड़ी बिक जाएगी। सो अब मैं आपको इसका इंजन रूम ओपन करके दिखाता हूँ सर, एंड आई एम श्योर कि अंदर भी सब कुछ इंटैक्ट होगा मामला। यस सर, बोनट खोलते ही जो सबसे पहले मेरी नजर पड़ती है वो यहाँ पड़ती है, यहाँ पे इंटैक्ट लग रहा है सर, यहाँ पे इंटैक्ट लग रहा है, ये बोनट पट्टी वगैरह सब कुछ हमें इंटैक्ट लग रही है, कोई काम हुआ हुआ नहीं लग रहा है। फ्लूइड्स के कलर्स देखकर लग रहा है कि गाड़ी जो है वो थॉरली मेंटेन रखी है, सर्विस रखी है, थोड़ी डस्ट है, दैट्स ओके। अब मैं आपको इसके इंजन की साउंड सुनाता हूँ सर। सर इंजन हमने स्टार्ट करके देख लिया, सेल्फ प्रॉपरली वर्किंग है, कोई माउंटिंग का काम नहीं लग रहा है, किसी तरह की कोई बेल्ट वेल्ट की, फैन बेल्ट की या किसी चीज़ की आवाज़ नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के अंदर कोई। और मुझे सर एक और काम पे जाना है, एक और डायरेक्ट कस्टमर कार ढूंढनी है, इसलिए माफी चाहूंगा मैं टेस्ट ड्राइव नहीं ले पाऊंगा इसकी, और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की कई टेस्ट ड्राइव लूँ। कस्टमर का नंबर सर हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरी असिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर पेपर वर्क, इंस्पेक्शन, स्कैनिंग, सर्विस हिस्ट्री ऑफ दिस कार और एनी अदर कार यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, देन प्लीज डू व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर 9953970666 विद रिस्पेक्ट टू दिस कार, प्लीज स्पीक टू द कस्टमर डायरेक्टली। एंड इफ यू रिक्वायर एनी सर्विसेज, अगर आपको एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप की सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज डू फॉलो आवर पेज वसीम खान ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, और फेसबुक पे सर मोटो फाइंडर है, और यूट्यूब पे भी मोटो फाइंडर है, उसको भी सर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।